आज मैं जा रहा हूँ रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल जो कि है रायपुर में। दोपहर से रात तक पूरा ब्लॉगिंग करना है दोस्तों। आज देखते हैं कि इस हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस कैसा है। दूर दूर से सब इलाज कराने आते हैं हॉस्पिटल से। पहले पार्किंग यहाँ पे बना है दोस्तों, यहाँ 20 रुपये दे के आप पार्किंग कर सकते हैं। और सामने मेरा हॉस्पिटल है, देख सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पे डॉक्टर लोग की गाड़ियाँ खड़ी मिल जाएंगी, देख सकते हो। फोर्ट चने अभी एक डॉक्टर आए। गार्डनिंग एरिया है दोस्तों, देखो रामकृष्ण का। वहाँ पे एक एटीएम भी है, देख सकते हो। चलिए आपको दिखाते हैं इधर का हिस्सा क्या है। इधर मैं देख पा रहा हूँ हॉस्पिटल का सेकंड ब्लॉक है, और इधर भी गाड़ियाँ पूरा खड़ी है अलग अलग डॉक्टर की, जो अपने अपने शिफ्ट में आते हैं यहाँ पे। और सामने देख सक रहा हूँ, सामने मेडिकोज है पर्सनल यहीं की, और इधर भी गाड़ियाँ पूरी खड़ी है। अभी अभी एक गाड़ी निकली, देख सकते हो। तो हॉस्पिटल के ब्लॉक में सबसे पहले बना है मंदिर, यहाँ पे गणपति जी स्थापित हैं, देख सकते हो। तो मैं अभी अंदर में हूँ ए ब्लॉक में, और इधर देखो कितना अपॉइंटमेंट है और कितना भीड़ है। ये तो आप भी जानते हो कि हमारे छत्तीसगढ़ में हेल्थ रिलेटिव कितना कैसे जाते हैं, ये वही दिखाया जा रहा है टीवी में। सबका इलाज है यहाँ, ऐसे बताया जा रहा है। और देखो कितना भीड़ है, 11 बज रहे हैं अभी इतने सारे, और ये डस्टबिन जा रहा है। आधा से 45 मिनट बैठने के बाद हमारा नंबर आ गया है, देख सकते हो। अंदर गए हुए हैं ये देखो, और ये है इमरजेंसी रूम, आपातकालीन देखिए। ये है इमरजेंसी काउंटर, देख। ये तो पुराने पेशेंट हैं मेरे पापा, पहले ही खा गए। इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, क्या चीज मांग रहे मेरे को समझ नहीं आ रहा। यहाँ का बुक बना हुआ क्या, मां से दिखा रहा चैंबर में जाकर। हाँ मुझे क्या नाम है, इसको मत देखिए। तो उस काउंटर में डॉक्यूमेंट फिल करने के बाद हमको अब कैश पे करना है। रामकृष्ण केयर बी ब्लॉक, और ये अंदर कैश काउंटर। थोड़ा टाइम लगता है पेमेंट जमा करने में, देख सकते हो भीड़ ही ऐसे है यहाँ का। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, जल्दी रिकवर हो जाओगे। देख तो अभी बॉडी चेकअप होने जा रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर में होगा ब्लड टेस्ट और सोनोग्राफी एक्सरे, ये सारी चीज़ें होगी अभी। ये यहाँ का कैंटीन है दोस्तों, देख सकते हो रामकृष्ण का। छोटा सा है लेकिन सैंडविच के अलावा ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं यहाँ। तो भाई साहब यहाँ का लिफ्ट ना हमेशा बिजी रहता है, बहुत कम मिलता है। बूट का तो ये हम मिनी आईसीयू में है अभी, देख सकते हो। कई लोग को वेंटिलेटर भी लगा हुआ है, देख सकते हो। एक दादा है उनको। चलिए अब पार्ट 2 में मिलते हैं दोस्तों, आने वाला वीडियो देखना ज़रूर। नाइट का पूरा व्लॉगिंग करूँगा इस हॉस्पिटल में, नाइट में कैसे रहता है यहाँ वो दिखाएंगे, और खुद का एक्सपीरियंस बताऊँगा मैं इस हॉस्पिटल का। पार्ट 2 का ट्रेलर है दोस्तों, एक्साइटमेंट बनाए रखना, आने वाला है बहुत जल्द। और बहुत कुछ हुआ है उस रात, दिखाऊँगा मैं, देखते रहो।